पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की और प्रदेश की वर्तमान स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से चर्चा के दौरान कहा कि एससी एसटी वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में आज सुरक्षित नहीं है। जितनी घटनाएं प्रदेश में हुई हैं उतनी देश के इतिहास में नहीं हुई। कमलनाथ ने राज्यपाल से कहा, आपको ट्राइबल क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है, आपने समाज सेवा का कार्य किया है, आपकी प्राथमिकता व प्रयास है कि यह वर्ग सुरक्षित रहे। कमलनाथ ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, फिर चाहे वो किसान हो, छोटा व्यापारी हो। उन्होंने कहा, नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है, आर्थिक गतिविधि समाप्त हो चुकी है। कमलनाथ ने राज्यपाल को नेमावर हत्याकांड सहित कई मुद्दों से भी अवगत कराया। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हमने कदम उठाया था, हमने जो नीति बनाई थी उसे शिवराज सरकार लागू करे। यह बातें आज छुपी नहीं है, आज जनता गवाह है कि आज प्रदेश कहाँ है और कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 11 दिन अस्पताल में था। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम समय आने पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, यह भाजपा और सिंधिया के बीच का फैसला है, अब देखते हैं आगे गाड़ी कैसे चलती है। महंगाई को लेकर कमलनाथ ने कहा कि आज महंगाई की कोई सीमा नहीं है। मोदी कितने लंबे लंबे भाषण देते थे, 2013-14 में उनके भाषण, घोषणाएं, स्लोगन देख लीजिए जो उन्होंने दिए थे। स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया आज कहां गए, पर अब वे दाढ़ी बढ़ाकर अच्छे लग रहे हैं। तभी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कितने असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे एससी एसटी प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में एससी एसटी कहीं नहीं है, ये किस तरह सुरक्षित रहे। मैंने उनको अवगत कराया कि आज अपने प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक गतिविधि समाप्त है, तो कहाँ घसीटा जा रहा है हमारा प्रदेश, ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। मैं करूँगा, मैं 11 दिन अस्पताल में था, मुझे निमोनिया हो गया था, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। पूरे स्टेट का दौरा कर रहा हूँ। देखिए, ये बीजेपी और सिंधिया जी के बीच का फैसला है, मिले खुश रहे, मिला तो मिला, ये अब कैसे आगे चलती है गाड़ी वो देखा जाएगा। महंगाई की कोई सीमा नहीं, यही मोदी जी बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे। आप मोदी जी के 2013 और 14 के भाषण, घोषणाएं और जो स्लोगन दिए थे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं कितने थे, ये कहाँ है, किधर है, पर अब अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।